जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस होमगार्ड वॉलंटियर ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली आपको कल ही इस वैकेंसी के बारे में बताया था कि आपका होमगार्ड का एनरोलमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए इलिजिबल है और कौन लोग इलिजिबल नहीं है। तो पहले आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, इसको वॉच करने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब आप इस वीडियो को वॉच करके अपने इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यह आपकी चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर देखोगे होमगार्ड वॉलंटियर 2021, इसमें पहले आपका स्टैंडिंग ऑर्डर आया था, अब यहां पर आपका एनरोलमेंट नोटिस आ चुका है फॉर 25 मेल गार्ड वॉलंटियर, यानी कि आपके यहां पर जो पदों की संख्या है वो आपकी 25 ही होने वाली है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिस आ जाएगा जहां पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स भी दी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 14 फरवरी 2021 तक भर पाओगे। आपको ये ऑफलाइन वे में इस फॉर्म को भरना है। यहां पर आपको फिल करने के बाद इस एड्रेस के ऊपर भेजना होगा जो कि है आपका ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स एच क्यूएस बिल्डिंग सेक्शन 17 ई चंडीगढ़ 16017। इस एड्रेस के ऊपर आपको 14 फरवरी 2021 से पहले अपने फॉर्म को सेंड करना है। और यहीं पर आपको इनरोलमेंट के ऊपर जो है एप्लीकेशन परफॉर्मा, इसके ऊपर क्लिक करके अपने परफॉर्मा को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहां से आपको उसको प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद अब आपको जानकारी मैं बताने वाला हूं इसके अकॉर्डिंग इसको भरते जाना है। तो यहां पर दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना होगा क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और ये नाम आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर होना चाहिए। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है, यानी कि लिखना है। ये भी आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही लिखनी होगी। फोर पॉइंट में आपको एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे कि हाउस नंबर, अगर हाउस नंबर एप्लीकेबल नहीं है तो यहां पर आप विलेज सेक्टर के सामने अपने विलेज या सेक्टर का नाम लिख दीजिए। फिर यहां पर पुलिस स्टेशन आपको लिखना है, जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है। डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपको लिखनी है। स्टेट का नाम आपको स्टेट के कॉलम के सामने लिखना है। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का क्या है वो यहां पर आपको डालना है। फिर नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने भरा है प्रेजेंट एड्रेस, नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर आपको को सेम एड्रेस लिख देना है। अगर अलग अलग है तो आप अलग से यहां पर एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, वेदर एनसीसी सर्टिफिकेट क्लास सी अगर आप है तो यहां पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो लिखना है। अगर आप यस लिखते हो तो आपको यहां पर जो उसकी फोटो कॉपी है आपके सर्टिफिकेट की इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अकेडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल कर लीजिए जिससे कि आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है टारगेट MPTET 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स, जहां पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किसके द्वारा कराई जाएगी और किस टाइमिंग पर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, तो आपको इन्हीं टाइमिंग पर इनको ज्वाइन करना होगा। ये बैच आपकी 28 जनवरी से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी की यहां पर टारगेट UPTET जो कंप्लीट बैच कोर्स है, ये भी आपकी 30 जनवरी से स्टार्ट होकर के 6 मार्च 2021 तक चलने वाली है। और यहां पर भी आप देख सकते कि आपके जो एजुकेटर हैं उनकी टाइमिंग क्या रहेगी लाइव क्लासेस देने की। सॉरी, टाइमिंग यहां पर नहीं दी गई है, बट आपको सब्जेक्ट बताया कि किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस एजुकेटर के द्वारा आपको कराई जाएगी। टाइमिंग भी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करते वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। साथ ही अगर आप यहां से प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी, चाहे आपने कोई सा भी प्लान
मंथ चूज किया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। 7 पॉइंट है वेदर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स फॉर मिनिमम 2 सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स फ्रॉम CTI और एनी कोर्स फ्रॉम NCDC नागपुर। अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। अगर आप यस लिखोगे तो आपको उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बोला है कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन एंड अबोव, यानी कि यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर के अंदर आपको 1 लिखना है, एग्जाम पास्ट में आपको 10th लिखना है या फिर आप मैट्रिक लिख सकते हो। बोर्ड यूनिवर्सिटी की जगह पर आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड या फिर जो भी आपका बोर्ड है जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है वो आपको लिखना है। पासिंग ईयर के आपको ईयर के कॉलम के अंदर आपको लिखना है कि किस ईयर के अंदर आपने पास की थी। मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी है, पहले आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं जो भी आपके टोटल मार्क्स थे। उसके बाद दोस्तों आपको एक नीचे लाइन खींचनी है और उसके नीचे आपको वो मार्क्स लिखने हैं जो कि आपको आए हैं उसमें से। जैसे कि मैं मुझे 600 में से यूपी बोर्ड में 480 नंबर आए थे, तो मैं क्या करता हूँ जो आपका टोटल मार्क्स है वो मैं ऊपर लिखता हूँ और नीचे मुझे जितने नंबर आए थे वो लिखता हूँ। फिर आपको यहाँ पर स्लैश लगाना है और स्लैश लगाने के बाद जितनी आपकी परसेंटेज होती है आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देनी है। दो तरीके से आपको लिखना है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऊपर टोटल मार्क्स डालने हैं, फिर उसके नीचे आपको एक डंडा लगाना है। जैसे कि हम जब हमारा टेस्ट होता था स्कूल कॉलेज में, वहाँ पर हमको टीचर के द्वारा नंबर दिए जाते थे, इस तरह से आपको लिखना है ऊपर टोटल मार्क्स, नीचे वो नंबर जो आपको आए हैं, फिर स्लैश लगा करके आपको आपकी नंबर के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहां पर आपको लिखनी है। सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी देनी है, अगर आप 12th पास हो, एग्जाम पास्ट में आपको 12th लिखना है या इंटरमीडिएट लिखना है, और यहां पर यूनिवर्सिटी का नेम, पासिंग ईयर और जो नंबर है आपके वो यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के सेम तरीके से भरनी है। साथ ही आपको उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब नीचे आना है और नीचे आकर के आपको देखने को मिलेगा 9 पॉइंट एनी अदर क्वालिफिकेशन अचीवमेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है इसके अलावा तो आप यहां पर उसका नाम दीजिए, साथ ही उसकी जो फोटोकॉपी है इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फिर यहां पर दोस्तों है 10 पॉइंट एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज, आपको बोला कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इफ एनी प्लीज टिक। तो यहां पर दोस्तों अगर आपके पास उसकी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी है वो आपको देनी है, और यहां पर जिस ट्रेड में भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहां पर आपको उसी के सामने टिक करना होगा। जैसे कि कंप्यूटर टाइपिंग एंड ऑपरेटिंग आपको यहां पर उसके सामने टिक कर देना है, या फिर बैंड्समैन हो, कारपेंटर हो, गार्डनर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ऑटो मैकेनिक हो, बार्बर हो, जो भी आप हो आपको उसी के सामने टिक करना है, और कम से कम आपका एक ट्रेड में जो भी स्किल है वो होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्किल टेस्ट है। अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो सही से देखी होगी तो आपको जानकारी इसके बारे में हो गई होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है, आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोई भी मार्क है, चाहे जलन का, चाहे कटने का या कोई बर्थ मार्क, तो आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। जैसे कि मोल ऑन माय चिक या मेरे घुटने में इंजरी है वो आपको लिखना है। अगर बॉडी के ऊपर कहीं भी कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिए। डिक्लेरेशन यहां पर आपके सामने है, आपको उसको रीड करने के बाद यहां पर अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहां पर आपको अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहां पर आपको पैलेस लिखना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, आप इसको ऑल इंडिया से भर पाओगे। डेट यहां पर डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपको उसको यहां पर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको यहां पर जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है 14 फरवरी 2021 से पहले, उन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में जिन डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको यहां पर साथ साथ में दी गई है कि हाँ आपको इसका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो यहां पर आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और बस यही थी आपकी चंडीगढ़ पुलिस होमगार्ड वॉलंटियर मेल ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बैल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।